सस्त्रियकार अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उपासना मैजिक मोमेंट चैनल। उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में मैं उपासना फूड ब्लॉगर और आप लोगों के सामने लेके आ गई गर्मा गर्म वाओ स्मोकी स्टाइल स्मोकी फ्लेवरी तंदूरी चिकन रेसिपी। इसके साथ सिर्फ चाहिए कोका कोला या सॉफ्ट ड्रिंक्स। और देखिए मैंने लाइम का पीसेस और प्याज से इसको डेकोरेट भी कर लिया। अब चलिए देख लेते हैं कि हम ऐसा जूसी जूसी तंदूरी चिकन वो भी होम स्टाइल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। उपासना मैजिक मोमेंट चैनल। उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में मैं उपासना फूड ब्लॉगर आज आप लोगों के सामने बनाने जा रही हूँ सबकी फेवरेट एक रेसिपी। एक ऐसा रेसिपी है जो कोई भी इनविटेशन होम पे कोई भी पार्टी शार्टी में या घर पे भी बनता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन तंदूरी। तो बहुत सारा लोग ने मुझे रिक्वेस्ट किया था चिकन तंदूरी बनाने के लिए, तो मैं तब एफोर्ट नहीं कर पाई और बहुत सारा छानबीन करने के बाद मैं चिकन तंदूरी आज बनाने जा रही हूँ। और आज जो चिकन तंदूरी मैं बनाऊँगी वो पूरा बनाऊँगी बर्नर पे, मतलब गैस बर्नर पे, आँख से सीख के। माइक्रोवेवन वगैरह कुछ हम नहीं यूज़ करेंगे। तो चलिए चिकन तंदूरी बनाने के लिए हमें तीनों चीज़ के अंदर से जाना पड़ता है। एक है फर्स्ट मैरिनेशन, एक है सेकंड मैरिनेशन, उसके बाद चिकन तंदूरी को बनाना, उसके बाद चिकन तंदूरी में फ्लेवर डालना। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी को शुरू करते हैं। चिकन तंदूरी बनाने के लिए हमें चिकन का पीस बड़ा लेने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए चिकन का पीस मैंने एकदम पूरा जो होल चिकन है उसका नीचे का जो पोर्शन है कमर से धड़ को अलग कर दिया है, और पाव और थाई का एक पोर्शन मैंने एक रखा है जैसे चिकन चाप में देते हैं। ये वाला पीसेस भी मैंने ऐसे ही दिया है। बड़ा पीसेस में ही चिकन तंदूरी को खाना अच्छा लगता है। अब मैं शुरू करूँगी फर्स्ट मैरिनेशन। तो फर्स्ट मैरिनेशन के लिए पहले ही हमें इसके अंदर ऐड करना होगा थोड़ा सा सॉल्ट। विदाउट सॉल्ट तो चिकन तंदूरी बनेगा नहीं। चिकन तंदूरी के इसके अंदर अभी सॉल्ट डालना है क्योंकि बाद में अगर सॉल्ट आप लोग डालें तो चिकन तब पानी छोड़ना शुरू कर देगा, इसीलिए मैंने सॉल्ट को अभी डाला। सॉल्ट डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। इधर मैं यूज़ करूँगी एक टीस्पून गार्लिक का पेस्ट। उसके बाद हम इसके अंदर यूज़ करेंगे जिंजर का पेस्ट। तो जिंजर का पेस्ट भी हमें हिसाब करके डालना है क्योंकि जो गार्लिक और जो जिंजर हम डालूँगी इसके अंदर तो वो एक बार ही डालना है। सेकेंड मैरिनेशन में हम जिंजर गार्लिक नहीं ऐड करेंगे, तो हम इसके मुताबिक इसके अंदर और थोड़ा सा गार्लिक डालते हैं जैसे ये चिकन है। इसके बाद हमें इसके अंदर डालना होगा थोड़ा सा कश्मीरी मसाला, ये आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा अभी ऐड कर रही हूँ। इस कश्मीरी मसाला के अंदर है, तो देखिए हम इसके अंदर डाल रहे हैं कश्मीरी मसाला। तो पूरा कश्मीरी मसाला हम इसके अंदर डाल दिया। बाद में भी कश्मीरी मसाला आप ऐड कर सकते हैं। एक बात बोलते हैं, कश्मीरी मसाला के अंदर है साबुत धनिया, साबुत जीरा, साबुत मेथी और साबुत इलायची, ब्लैक इलायची, ग्रीन इलायची और जायफल। देखिए अब मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ एक बड़ा लाइम का आधा जूस। इसके बाद हम इसके अंदर यूज़ करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, क्योंकि लाल मिर्ची का पाउडर अच्छा सा कलर छोड़ेगा। तो एक टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर मैंने यूज़ किया। इसके बाद हम इसके अंदर यूज़ करेंगे थोड़ा सा फूड कलर। तो फूड कलर मैं अभी डाल रही हूँ, आप चाहे तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। एकदम ही कम ऐड कर रही हूँ मैं, ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चिकन तंदूरी में एक लाजवाब कलर आए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए तो इसके अंदर मैंने डाला नमक, फूड कलर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके साथ साथ ही
मैंने इसके अंदर डाला नींबू का जूस और देखिए ऐसे में धीरे धीरे इसको मैरिनेट कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। देखिए सारे पीसेस को मैंने अच्छे से मैसेज कर रही हूँ। तो अभी मैंने इसके अंदर यूज़ किया लाइम का जूस, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा फूड कलर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और उसके साथ साथ ही हम इसके अंदर यूज़ किया थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ठीक है, और उसके साथ लाइम का जूस तो डलाई, नमक भी डाल दिया। तो देखिए फर्स्ट मैरिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसको मैं आधा घंटे तक फ्रिज में कवर करके रख दूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं सेकेंड मैरिनेशन को ऐड करूँगी। सेकेंड मैरिनेशन को बनाना मैं अभी दिखाऊंगी कैसे सेकेंड मैरिनेशन को बनाते हैं, पर आधा घंटे के बाद हम इसके अंदर सेकेंड मैरिनेशन को लगाएंगे। तो चलिए सेकेंड मैरिनेशन को बना लेते हैं और इसको फ्रिज में ढककर प्रेस करते हैं, मतलब मैरिनेट करते हैं। देखिए फर्स्ट मैरिनेशन का काम तो हो गया, अब बारी है सेकेंड मैरिनेशन की। तो सेकेंड मैरिनेशन के लिए इधर मैंने ले लिया है एक पात्र और पैन, जिसके अंदर मैं डालूंगी 2 चम्मच रेड चिली का पाउडर, क्योंकि इसके अंदर रेड चिली का पाउडर बहुत सारा जाता है। इसके बिना हम इसके अंदर यूज़ करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाला पाउडर भी हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे। इसके बिना हम इसके अंदर यूज़ करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर। तो ब्लैक पेपर पाउडर भी हमने डाल दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर पाउडर। आप चाहे तो सिर्फ लाल मिर्ची ब्लैक पेपर पाउडर से बना सकते हैं, पर जितना मसाला आप डालें उतना अच्छा टेस्ट होगा, क्योंकि देखिए हम सारे मसाला कुकिंग के अंदर यूज़ करते हैं, मतलब सारे मसाला का अलग अलग फ्लेवर रहता है, इसलिए यूज़ करते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी। विदाउट हल्दी तो कोई भी खाना में कलर, रंग, खुशबू कुछ भी आएगा नहीं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जीरा पाउडर और 1 टीस्पून जीरा यूज़ किया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी एक चीज़ जो बहुत ही अच्छा लगता है, चिकन तंदूरी में भी बहुत स्वाद लाएगा, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। आप चाहे तो और थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मुझे तो कसूरी मेथी बहुत ही अच्छा लगता है। तो सब कुछ डाल दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही। इधर मैं यूज़ कर रही हूँ हंकर्ट, मतलब जो कर्ड है उसको मैंने छान लिया है, इससे कर्ड के अंदर जो पानी था वो निकल गया है, इससे हमारा कर्ड भी एकदम सॉलिड है, इसके अंदर कुछ भी मतलब वाटर नहीं है। और फिर से हम इसके अंदर यूज़ करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा, क्योंकि सॉल्ट अगर इधर उधर हो तो, और थोड़ा सा यूज़ किया। देखिए अब मैं पूरा इंग्रेडिएंट्स को देखिए मैं एक साथ मिला ले रही हूँ, और कभी भी इसके अंदर पानी ना ऐड करें, बहुत ध्यान रहे, अच्छे से इसके अंदर हमें मिला लेना है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप पानी ऐड कर दे तो तंदूरी के अंदर वो मिलेगा नहीं अच्छे से, और उससे क्या होगा, तंदूरी में मसाला गल के ओवन के अंदर चला जाएगा। तो देखिए हम आस्ते आस्ते इसको बना लिया और हमारा सेकंड मैरिनेशन एकदम बन के तैयार है। अब चलिए सेकेंड मैरिनेशन को पास में रख लेते हैं और आधा घंटे के बाद मैं फर्स्ट मैरिनेशन कंप्लीट हो जाने के बाद सेकेंड मैरिनेशन को चिकन के अंदर लगाएंगे। मैरिनेशन के बाद चिकन, अब मैं चिकन के अंदर थोड़ा सा कट लगाएंगे। कट मतलब ज़्यादा कुछ कट नहीं, थोड़ा थोड़ा से कट लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो चिकन का पीसेस है वो जब तंदूर में जाएगा, मतलब गैस में हम बनाएंगे, तब इसके अंदर बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। वो देखिए ऐसे हम चिकन पीसेस को काट कर दिया है, ठीक है।
तो अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ ए मैरिनेशन, मतलब सेकंड मैरिनेशन। सेकंड मैरिनेशन को पहले मैंने थोड़ा सा ले लिया, अब मैं आस्ते आस्ते इसके अंदर लगा लूँगी मैरिनेशन को। और ये तंदूरी चिकन में बनाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, पर इसको मैरिनेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मतलब दही और मैरिनेशन और सब कुछ एकदम माप करके होना चाहिए, जैसे इसके अंदर टेस्ट भी बढ़िया आए और स्वाद भी अच्छा रहे। तो देखिए हम ऐसे ही मैरिनेशन को इसके अंदर इन कर रहे हैं और मैरिनेशन से हम ऐसे ही चिकन को मैसेज कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे हम मैरिनेशन को इसके ऊपर लगा लिया। ऐसे ही मैरिनेशन को लगा लिया, देखिए ये देखिए हमने देखिए मैसेज को मतलब मैरिनेशन को हमने अच्छे से इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, ज़्यादा मैरिनेशन यूज़ नहीं करना है, एकदम परफेक्ट तरीके से मैरिनेशन यूज़ करना है, जैसे ये मैरिनेट भी अच्छे से हो और इसके अंदर मसाला भी ज़्यादा ना हो। तो देखिए हमारा सेकंड मैरिनेशन का काम भी हो गया। आप मैं एक घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखूँगी। फर्स्ट मैरिनेशन के बाद आधा घंटा फ्रिज में रखा था, अब सेकेंड मैरिनेशन के बाद हम इसको एक घंटा तक फ्रिज में रखेंगे, तभी इसके अंदर बरकरार स्वाद आएगा। तो चलिए इसको एक घंटा फ्रिज में मैरिनेट कर लेते हैं, उसके बाद गर्मा गर्म तंदूरी चिकन बनाते हैं। तंदूरी चिकन मतलब तंदूरी चिकन का मैरिनेशन सेकेंड मैरिनेशन एक घंटे के बाद एकदम बन के तैयार है। अब मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी एक गर्म किया हुआ सरसों का तेल, क्योंकि अगर तेल यूज़ ना करूँ तो मैरिनेशन अच्छे से बनेगा नहीं। अब तेल यूज़ करने के बाद हमें फिर से तेल के साथ मसाला को ऐसे ही मिला लेना है, ठीक है। और बाकी सारा जो मसाला है वो अगर वेस्ट नहीं करना है, अगर दूसरा दिन कुछ सब्ज़ी वगैरह कुछ बनाना हो तो उससे आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तंदूरी चिकन में ज़्यादा मसाला जाता नहीं, जितना मसाला लगेगा उतना मसाला ही यूज़ करना पड़ेगा। अब चलिए इसका ग्रिल का पोजीशन शुरू करते हैं। देखिए हम चूल्हा को जला रहा है, चूल्हा ऑलरेडी आग से लपट लिया। आपने इसके ऊपर रोटी सेकने का जो ग्रिलर है उसको रखूंगी, अच्छा है तो माइक्रोवेव का ग्रिलर भी रख सकते हैं, क्योंकि मेरा ओवन छोटा है तो एकदम बड़ा एक ट्रे बिठा दूंगी तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम चारकोल से तो नहीं कर रहे हैं। देखिए मैरिनेशन को ऐसे ही हम गिरा लिया, इसके बाद हम ऐसे ही बस चिकन को डाल देंगे और सेकने के लिए इसको बैठा देंगे। बदले बदले में हमको पलटते जाना है, आप थोड़ा सा आगे से देखिए, बदले बदले में हमें इसको पलटते जाना है और एकदम धीमी आंच पे इसको पकाना है, क्योंकि ज़्यादा तेज आंच में ये पकेगा नहीं। देखिए एकदम धीरे धीरे पक रहा है, थोड़ा सा पकजा बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। थोड़ा सा पक जाने के बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे, उसके बाद फिर से इसको करेंगे एकदम लास्ट में हम इसके ऊपर घी चढ़ा के इसका एक ग्रिलिंग हो जाएंगे। इसको पका लेते हैं ऐसे ही। देखिए हम 5 मिनट तक इसको ऐसे ही पका लिया। अब हम सांची की मदद से इसको पलट देंगे, मेरे पास चिमटा है नहीं तो ऐसे ही हम पलट देंगे। तो बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि गैस के अंदर हमें काम कर रहे हैं। देखिए एकदम भी मैरिनेशन कुछ गिरा ही नहीं, क्योंकि मैरिनेशन बहुत ही कम देना चाहिए, इसीलिए मैंने कर्ट को पानी अलग करके लिया था, वरना कर्ट का जो पानी है इसके अंदर गिर जाता और ओवन ही बंद हो जाता, ठीक है। और देखिए इसके अंदर जो ऑयल और मैरिनेशन है ना, जितना थोड़ा थोड़ा करके जब बर्नर के ऊपर गिरेगा उससे ना और भी अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा,
ऑलरेडी बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। मैंने एकदम आँच को मीडियम पे रखा है और जैसे तंदूरी सेक रहा है ऐसी आँख लपेट लिया है। हमें इसको धीरे धीरे करके पलट देना है। पहले हम ऐसे ग्रिल करेंगे, उसके बाद ऐसे ग्रिल करेंगे, ऐसे पहले हमें मोटा पोर्शन को ग्रिल करते जाना है। तो चलिए इसको ग्रिल कर लेते हैं। देखिए हमारा एक पीस चिकन कितनी अच्छे से तैयार हो गया और एकदम तंदूरी का निशान भी आ गई। अब मैं इसको एक साइड में रख दूँगी। इसके बाद हम दूसरा वाला ग्रिलिंग करेंगे। मतलब दो पीस लिया है, एक पीस तो बन गया है, उसके बाद हम दोनों नंबर पीस को शुरू करेंगे। तो देखिए इधर मेरा आग जल रहा है, अब मैं दूसरा वाला पीस को इसके ऊपर डाल दूँगी। ये वाला पीस थोड़ा सा बड़ा है पर बेकिंग होते होते ये पीस थोड़ा कम हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, दूसरे वाला पीस को भी बेक कर लेना होगा। तो इसको ऐसे ही बेक होने दें, उसके बाद दूसरा को तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही हम जैसे आपको लिखाया एक वाला पीस, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि घी से इसका अंदर फ्लेवर कैसे लाते हैं। देखिए इधर मैंने आँख को जला लिया है और उसके साथ साथ इधर मैंने ले लिया है तंदूरी का पीसेस। डेफिनेटली मैं जो फ्लेम है उसको एकदम लो कर दूँगी। इसके बाद हम इसके अंदर जो जलने की मार्क्स आया है ना, इससे क्या होगा, इसका टेस्ट खराब हो सकता है। इसलिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ शुद्ध देसी घी। और देसी घी ऐसे डालने के बाद हम इसको ऐसे ग्रीस करके इसके ऊपर लगा लेंगे। और उसके बाद हम जो हमारे पास सनसी है, आप चाहे तो चिमटा का यूज़ कर सकते हैं, इससे हम इसको ऐसे पलट देंगे। इससे घी का एक जो स्मोकी फ्लेवर है वो आएगा। अच्छे से तंदूरी तो हमारा बन गया है, पूरा गैस पे बनाया है मैं। देखिए अब मैं इसके ऊपर ऐसे ही हम घी को ग्रीस कर रहे हैं। ऐसे ही हम घी को ग्रीस किया, ठीक है, एकदम घी से लपेट दिया। इसके बाद चलो भाई इसको फिर से पलट देते हैं। ऐसी सांची की मदद से मैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से तंदूरी बना रही हूँ। इससे तंदूरी का स्वाद भी अच्छा आएगा और भाप भी अच्छा आएगा। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक को मैंने घी से ग्रीस कर लिया, चलिए अब दूसरे को करते हैं। देखिए हम दूसरा वाला पीस इसके अंदर रख दिया और फिर से हम इसके ऊपर डालेंगे घी। थोड़ा सा घी हम इसके अंदर लपट देंगे, इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा एक ग्रीजी फ्लेवर आएगा। आप चाहे तो चारकोल की मदद से बना सकते हैं, बहुत सारा चीज़ों से बना सकते हैं, माइक्रोवेव से बना सकते हैं, पर मैं एकदम सिंपल चीज़ों से बनाया जिस जो सबके पास होता है। देखिए इसके अंदर घी डालने के बाद हम इसको फिर से एक बार पलट देंगे और पलट देने के साथ साथ ही घी का जो स्मोकी फ्लेवर है वो चला आएगा। फ्लेम को ऑब्वियसली हमें लो रखना है, देखिए लो रखना है हमें फ्लेम को, एकदम फ्लेम को मैंने लो कर दिया। अब मैं फिर से इसके ऊपर डाल रही हूँ घी। देखिए ऐसे हम घी से इसको ग्रीस कर रहे हैं और घी को ऐसे हम लगा भी लिया, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस साइड को पलट देंगे। सॉरी, देखिए हम इस साइड को पलट दिया और ऐसे ही इसको भूनते जाएंगे। और ऐसे ही इसको भूनने के बाद हमारा तंदूरी जो है वो एकदम तरीके से तैयार हो जाएगा। देखिए आँख कितने अच्छे से जल रहा है। तो देखिए तो हो गया। अब भाई चलिए इसका बंद कर देते हैं और गर्मा गर्म सलाद के साथ इसका सर्विंग दिखाते हैं। तो देखिए इधर हमारा तंदूरी चिकन एकदम होम स्टाइल बन के तैयार है। अब मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ लाइम की स्लाइसेस से और उसके साथ साथ ही लाइम की स्लाइसेस पर एक बार ठीक कर देती हूँ। लाइम की स्लाइसेस से हम इसको डेकोरेट करेंगे और ऊपर से हम इसके अंदर डाल रहे हैं प्याज। तो विदाउट प्याज तो तंदूरी चिकन में स्वाद आएगा नहीं। आप चाहे तो इसके साथ हरा वाला जो ग्रीन चटनी होता है वो भी सर्व कर सकते हैं, पर मेरे पास अभी नहीं है ग्रीन वाला चटनी, इसलिए मैं नॉर्मल वाला ये ऑनियन और जो है
लाइम इससे सर्व कर लियो। देखिए कितनी लाजवाब दिखने में हुई है, एकदम गर्मा गर्म तंदूरी चिकन बनके तैयार है। आप भी ऐसी घर पे बनाएं, मेरा रेसिपी फॉलो करके इसको घर पे बनाएं, मेरी रेसिपी एंड तक देखें। आज मेरा रेसिपी इतना था कि लौट के आऊँगी दूसरा एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।